दोस्तों ये है रमन रीति मंदिर, और रमन रीति में लोग यहाँ पर आते हैं भगवान श्री कृष्ण की रज को अपने शरीर से लगाने के लिए। मान्यता है कि अगर इस रज को हम अपने शरीर से लगाते हैं तो सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जैसा भगवान श्री कृष्ण बाल काल में यहाँ पर अपने शरीर से अपनी क्रीड़ा करते थे, तो इस जल में इस रज में खेल खेल के वो बड़े हुए थे, और भगवान श्री कृष्ण की ही इस रज को लोग अपने शरीर पर लगाने के लिए तरसते हैं, और इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं लोग होली की तरह यहाँ गेंद बना बना के आपस में खेल रहे हैं। ये एक प्रथा है दोस्तों यहाँ पर कि गेंद बना के एक दूसरे को मारना, क्योंकि बाल कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण भी एक दूसरे को मिट्टी की गेंद बनाकर यहाँ पर एक दूसरे के साथ क्रीड़ाएँ करते थे। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं ऋषिकंड, ऋषि भारद्वाज, ऋषि मारकंड और ऋषि सनक, और भी बहुत सारी यहाँ पर कुटियाँ बनी हुई हैं। और ये रमन रेती से मैं लेके आया हूँ सीधी तस्वीरें आपके लिए समक्ष, और ये मुनि पाणिन, सखा उद्धव, ऋषि जावाल, बहुत सारी यहाँ पर कुटियाँ बनी हुई हैं ऋषियों की, ऋषि मरीच, गुरु भक्त, आरुणी, इस तरह से यहाँ पर लोग आपस में मस्ती तो करते ही हैं, साथ में एक गेंद के साथ साथ खेलते हैं, इस मिट्टी से खेलते हुए लोग एक दूसरे को, और ये क्रीड़ा करते हुए, और बहुत ही मगन होते हैं लोग, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की इस क्रीड़ा भूमि में भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए थे, तो उसी तरह से लोग एक दूसरे के साथ खेलते हैं, बॉल बॉल भी खेलते हैं गेंद से एक दूसरे को, बच्चा मार रहा है देखो मारते हुए। तो ये मैं एक बहुत ही अनूठा एक मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग, और ये सतीचना भक्त अम्बरीश और मुनि तृणबिंदु की ये कुटिया मैं आपके समक्ष दिखाता हुआ, और ये बहुत ही अद्भुत और दिव्य नज़ारा यहाँ का आप देख सकते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए दोस्तों, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, और ये बहुत ही अद्भुत भूमि है यहाँ की। ये जो भूमि है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की रज में जो खेलते थे उसी रज को लगाने के लिए भक्त और श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको ये यहाँ भगवान श्री कृष्ण की रज के आपको दर्शन कराने के लिए, कि एक छोटी सी बच्ची है कैसे यहाँ पर क्रीड़ा करती हुई, और भगवान श्री कृष्ण की ये रज को अपने शरीर पर धारण करते हैं। दोस्तों मान्यता है कि लोग अपने दुख दर्द और सारी यहाँ पर पीड़ाएं हर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण इस रज में लगाने से, और ये लोग देखो होली खेलते हुए एक तरह से, और मिट्टी की बॉल बनाते हैं, क्योंकि एक बार भगवान श्री कृष्ण की गेंद गोपी ने ले ली थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी की गेंद बनाई, तभी से ये प्रथा चली आई है। लोग यहाँ पर ये मिट्टी की गेंद बना बना के एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो दोस्तों ये ब्लॉग मेरा रमन रेती ब्लॉग आपको कैसा लगा, नए ब्लॉग में लाता रहूँगा, कमेंट्स करके बताइए कौन सा और ब्लॉग मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल में आपको चाहिए, तो मैं पूर्ण कोशिश करूँगा कि आपके समक्ष ये ब्लॉग लेके आऊँ। धन्यवाद।